जैसा कि आपको हम बता दें, अभी जो हम हैं जहाँ पे मौजूद हैं, यह जैन का माइंस एरिया है। यहाँ पर आज से ही हड़ताल चालू हुआ है और भी अनिश्चित। आपको बता दें कि माइंस में जो है आज ब्लास्टिंग नहीं हुआ है, जिससे पूरा जो है काम धाम जो है ठप पड़ा हुआ है। बहरहाल आपको हम बता दें, अभी हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा इलाके में खड़े हैं और यह जयंत और दुधी चुहा का खदान है। यहाँ पर पिछले लगभग सुबह से ही हड़ताल यहाँ पे जारी है और शाम के अभी 5:10 हो रहे हैं और पिछले 11 साल से लगातार अनेक तरह के मुद्दे हैं। अगर बताया जाए तो अगर मुद्दा गिनेंगे तो मुद्दा जो है कम पड़ जाएगा। पानी की समस्या है, लोग अपने घरों में रह रहे हैं तो मकान जो है क्रैक हो गया है और डर की वजह से वो कहीं ना कहीं या तो सिमट के रह जाते हैं या तो उनको घर से बाहर निकाल कर ब्लास्टिंग किया जाता है। ये तो मुद्दा है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोगों का अभी तक जो है मुआवजा जो है क्लियर नहीं हुआ है। अब मुआवजा भी जो क्लियर हुआ है, अगर किसी का 5 लाख रुपए बना है तो उसमें से सीधे जो है 20% 30% जो है पैसा जो रुपया है काट लिया गया है। आखिर वो पैसा काहे काटा गया है, क्यों काटा गया है नहीं मालूम है। बहरहाल आइए, हम लोग अभी सीधे जुड़ेंगे और बात भी करेंगे कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार साहू। आज जो हड़ताल है, क्यों हड़ताल है और कब तक रहेगा ये हड़ताल? अनिश्चित काल रहेगा, क्योंकि देखिए हम लोगों का 2010 और 11 का गाइडलाइन लगाया गया है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है। 2012 में मांग क्या क्या है? मांग हमारा यह है कि देखिए मकान का पैसा पूरा दिया जाए ब्याज के साथ और विस्थापन लाभ दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि प्लाट दिया जाए और इन लोगों को नौकरी दिया जाए। NCL में जो जमीन पूछ रहा है 2 एकड़ तक, उनको नौकरी दिया जाए और जिसका नहीं पूछ रहा उसको प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिया जाए। ठीक, ये जो हड़ताल है ये पिछले कई सालों से चल रही है? ये हड़ताल तो हम लोग पहले से नहीं कर रहे थे, लेकिन आज 2 साल से कर रहे हैं। कई जगह मीटिंग हुआ, कई बात हुआ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब कोई अगर देखा जाए तो ये बात एकदम सही है। जिले में कई कलेक्टर आए, चेंज हो गए, सिर्फ मीटिंग होता है, वार्तालाप होता है, लेकिन कोई भी उसका निराकरण नहीं निकलता। आपको बता दें, अभी पूर्व में ही सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश भी धरना प्रदर्शन किया, तो उसमें कुछ बातों पर अमल हुआ था लेकिन कुछ मुद्दे छूट गए थे। और जैसे अभी कुछ दिन पहले ही राइस मिल के पास में ही धरना प्रदर्शन हुआ था माननीय विधायक जी के द्वारा, उस धरने में बल्कि बैठे हुए थे, उसमें कुछ मांगे पूरी हुई थी। कौन कौन सी मांगे थी जो पूरी हुई थी? अभी तक मांगे हमारे हिसाब से कुछ नहीं पूरी हुई है। NCL का गारंटर हटा के खाली कर दिए हैं गाँव वालों को, पट्टेदारों को, इसके अलावा काम पूरे किए हैं? कुछ तो नहीं किए हैं। मकान का जो 60,000 बनाया था 60,000 बना हुआ है, 5,000 बनाया था 5,000 बना हुआ है, कोई सुनवाई थोड़ी हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो मतलब अभी तक जो भी चल रहा है हवा हवाई में चल रहा है? हवा हवाई में पूरी तरह से। कब तक जारी रहेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए जब तक हम लोगों के गांव वालों को जो बाहर लिकान के ब्लास्टिंग कर रहे हैं, 3 लोगों को और गाँव वाले जितने लोगों को मकान फंसा हुआ है विस्थापित हैं, इन लोगों को प्लाट और पूरा मुआवजा 2017 में जो स्वीकृत राशि सबको बांटे हैं 150 लोगों को, वही हिसाब से हम लोगों को पैसा दें, 4 साल का ब्याज दें। अभी तो देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग जो है अपना मकान गिरा भी दे रहे हैं, मुआवजा भी ले रहे हैं और गिराने के बाद भी ले रहे हैं। तो उन लोगों को लालच दिया गया कि नौकरी आप लोगों को दे देंगे, नौकरी में फंसा के उन लोगों को नौकरी भी नहीं दी है, उन लोगों को फंसा के उन लोगों को दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको जो है कि कोई ये नहीं है। ये आपको कैसे मालूम उनको अभी तक नौकरी नहीं दी है, उनके साथ दुरुपयोग कर रहे हैं? वो लोग हमारे साथ आए हैं, सब आए हुए हैं। हाँ, दोपहर में सब आए थे। तो जैसे अभी वो घर गिरा दिए हैं तो कहीं घर बनाए होंगे तब ना? देखिए वो लोग मान लीजिए जो पैसे वाले हैं, नौकरी अगर लगा रहे हैं कहीं लग रहे हैं NCL में, तो थोड़ा पैसे वाले हैं तो कहीं मकान बना लिए हैं जमीन खरीद के, और हैं तो विस्थापित ही हैं के। अभी क्या क्या मेन प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे यह है कि भाई देखिए 2017 का हम लोग का जो है कि प्लाट वाला प्लाट भी दे दिया जाए और मकान का जो पैसा 2017 में बना था उसका ब्याज सहित दे दिया जाए। हम लोग कम बेसी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और ये हड़ताल जारी रहेगा? हड़ताल जारी रहेगा जब तक ये लोग नहीं मानेगा। ब्लास्टिंग तो जयंत का किसी हालत पर नहीं होने देंगे, कल से दुधी चुहा भी नहीं होने देंगे। चलिए अभी और भी आगे बात करेंगे, अभी इनकी जो मांगे हैं लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम बोलेंगे, सबको बोलना चाहेंगे पोल खोल पोस्ट के माध्यम से, कि जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है, मास्क और उचित दूरी बनाए रखें लोगों से, मास्क का जरूर प्रयोग करें और मास्क पहने और सैनिटाइजर जरूर लगाएं। और यहाँ पे भी बैठे हैं, इनको भी बोलना चाहेंगे लोगों को कि दूरी बना के रखें और मुंह में जो है मास्क जरूर पहने। क्या आपका क्या नाम है? हमारा नाम है जगप्रसाद बैस। आपका घर कहाँ पे है? यहीं बगल में है। आपका ही मकान वगैरह फंसा हुआ जी? फंसा है। क्या है आपका, क्या है मांग, क्या है हमारा मांग? वही है समस्या, जैसे प्लाट वगैरह जो है घर का मुआवजा दे दें, जितना हम लोगों का बेनिफिट है, उस जितना हम लोगों को जो चाहिए वो हम लोग दे दें, हम लोग खुद चले जाएंगे, हम लोग काहे के लिए किसी से झगड़ा करेंगे, हम लोग झगड़ा करना ही नहीं चाहते हैं।
कई बार आप लोग हड़ताल कर चुके हैं अब तक? अरे हड़ताल तो मान लीजिए बहुत बार हो गया है, अब साल भर से तो चल ही रहा है, देख ही रहा है। मतलब तब भी कितनी बार हो चुका है? नहीं अरे कहाँ भाई, क्या बताया जाए इसका, तभी कोई यही नहीं है कितना दिन से चल रहा है, चलता रहेगा जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी, तब तक ये चलता रहेगा। अब मैनेजमेंट इतना घाघ है ना, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब जो भी हो रहा है सिर्फ मीटिंग होता है, चाय और पानी पिए, बिस्कुट खाए, बस वहीं से कहानी खत्म है। अगर मान लीजिए अभी मांग पूरी नहीं होगी आपकी, तो फिर क्या करेंगे? आश्वासन देता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। बंद माई से बंद कर दे, हम लोगों को जमीन छोड़ दे, हम लोग अपना खेती किसानी कर लेंगे भैया, उसी से अपना अपना जीविकापार्जन करेंगे, नहीं जाएंगे उससे ना नौकरी मांगे ना पैसा मांगे, कुछ नहीं मांगेंगे। मतलब यहाँ पे बैठेंगे अनिश्चित काल, रात में ही व्यवस्था है, वैसा ही रहेंगे, क्या करना है, गर्मी का सीजन है, खाना आदमी घर से खा कर कर आ जाएगा। अभी तक कोई आया? अभी दो चार ठो आए थे मोरवा थाने के, तो बोले भाई ऐसा कि शांति प्रिय करिएगा। हम लोग बोले भाई बाहर में हम लोग हैं, अंदर है या नहीं है, अंदर हम लोग जाएंगे नहीं, यही है। आइए कुछ लोगों से और जुड़ते हैं, फिर महिलाएं बैठी आप दिखाएंगे एक बार, हम बोलेंगे कैमरामैन को कि इधर से जूम कर, इधर से ले और पूरा शॉट दिखाएं। ये जो है यहाँ के विस्थापित हैं, इनका जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मकान वगैरह जो है सारा चीज़ फंसा हुआ है, और कहीं ना कहीं इनसे लगे इनको अर्झा और फंसा के रखा हुआ है, और इनके साथ जो है न्याय नहीं हो रहा। आइए इन महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किस्मती। पहले तो हम आपको बता दें कि बीमारी फैली हुई है, मास्क का जरूर प्रयोग करिए और दूरी बना के रखिए, ठीक है? कहाँ फंसा आपका, जमीन कहाँ पे है? हाँ जमीन नहीं है, घर है। घर है, मुआवजा भी नहीं मिला है? मुआवजा कहाँ से मिलेगा, घर 10 डिसमिल में घर है और उसे बना पहले 19 लाख, 19 लाख में कट कर 14-15 लाख बना है, और उसी एक घर का नंबर वहाँ कोई नहीं पता है, जाते हैं दिखाने तो नोटिस लेने जाते हैं तो नंबर नहीं लिख रहा है घर का, ना उसी में प्लाट बना है ना घर का नोटिस लिख रहा है नंबर पर, सिर्फ दौड़ाया जा रहा है। कितनी बार जा चुके हैं, कहाँ पे आप लोग बार बार जा रहे हैं? बार बार वही ऑफिस में जाते हैं और जब दिखाते हैं तब वही नंबर। कौन से ऑफिस, कौन से ऑफिस में? वही जयंत, जयंत ऑफिस। कितनी बार जा चुके हैं आप लोग? 3-4 बार जा चुके हैं। क्या नाम है आपका? जय कुमारी। कहाँ पे है आपका घर? यही पर है, स्कूलिया पास। स्कूल के पास में है? क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है सर, काका ना वो काका ना घर फंसा हुआ है तो मौजा काट रहा है हम लोग को, सब इतना मौजा बना, पूरा प्लाट भी नहीं मिल रहा है, मौजा भी भाई नहीं कटना चाहिए, सब मिलना चाहिए, 12 लाख था तो 2.5 लाख कट गया, इसमें कब बनेगा घर गृहस्थी? प्लाट भी नहीं दे रहा है, बोलते हैं पटवारी कि यहाँ का यहाँ नंबर नहीं है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं से जो है ये उभर नहीं पा रहे हैं, तो एक समस्या कहीं ना कहीं आई जा रही है। और ख़ास तौर से आपको बताते चले कि इनका जो है अधिकांश जो है मामला जो आ रहा है, पैसा नहीं समय पे नहीं दिया जा रहा है, इनको दौड़ाया जा रहा बार बार, और साथ ही जो मुआवजा बना है उस मुआवजे में जो है यहाँ के भाषा में अगर बात करें तो घचड़ पचड़ कर दिए हैं, मतलब आधा पैसा जो है लगभग लगभग काट लिया गया है, और इनको अलग से जो है इनका इनको परेशान किया जा रहा है, जिससे ये प्रताड़ित होकर आज फिर यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुखमंती नाम। आप काहे के लिए बैठे हैं यहाँ पे? काहे के लिए नाम बैठा, अब नोटिस में आलवा 40-50 हजार, उसमें घर बनाई कि हमारे खेत खरीदी कि का करी, प्लाट नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, 3 लड़का है, कुछ नहीं मिल रहा है। नौकरी वगैरह कहीं अगर इसे माली अभी विस्थापित कर दिए, नौकरी वगैरह बच्चों को हो जाए तब तो भाई ठीक है रहा है, गरीब आदमी। प्राइवेट प्राइवेट में भी नहीं मिल रहा कहीं? कुछ में नहीं मिला, ना प्राइवेट में मिले ना तो इनिशियल में तो मिलवा नहीं करे, वो में काम मिली खेत को लिया है नहीं खरीद कर जमीन बना रही है। तो ये समस्या है, बच्चे भी जो है दर दर भटक रहे हैं, आइए इधर भी जुड़ते हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मास्क का उपयोग करिए, बीमारी फैली हुई है, अगर यही स्थिति रहेगा तो जो स्थितियां हैं विषम हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? राम सुभा खैरवा। काहे के लिए बैठे हैं यहाँ पे? इसलिए बैठे हैं कि हम लोग को घर पर बोल्डर गिर रहा है, पड़े हम लोग को निकाल के ब्लास्टिंग करते हैं लोग, इसीलिए। घर में कुल कितने लोग संख्या है? हम लोग 7-8 जो हैं कुल संख्या में, 8 लोग हैं। कित लास्टिंग होता है कितने बजे से कितने बजे होता है? 1 से 1.5 होता है, बाकी सब लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। शाम को? शाम को नहीं होता है। शाम को नहीं होता है।
कौन आता है निकालने आप लोग? ये सब ब्लास्टिंग मजदूर आते हैं, फिर फेरिया मार के वायरलेस लेके सब निकाल लेते हैं लोग। आदमी खा के सोया है, कैसे सोया, क्या कर रहा है, उनसे नहीं मतलब? नहीं, उससे मतलब है नहीं। हम लोग घर से बाहर निकलिए। ऐसी शिकायत कहीं नहीं की है कि नहीं अभी तक? अब शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। कहाँ कहाँ शिकायत की आप? भाई ऑफिस वाले आगे करते हैं, उन लोग से आदमी बोलता है। आप लोग का निराकरण करने के लिए नहीं बोल रहे हैं? बोल ही रहे, कोई मान ही नहीं रहा, सुन ही रहा है चीज को, तो क्या करें हम लोग। क्या नाम है आपका? ललन खैर। ललन, क्या समस्या आपकी ललन जी? मेरा परमिट कर रहे हैं अपने खदान से बाहर हटा दे। अच्छा, कितना बना है पेमेंट आपका? मेरा परमिट है 31 लाख। अभी मिला नहीं है, उसमें कटा भी है आपका? हाँ कट गया। कितना कटा है? 7 लाख। तो पेमेंट देने में क्या लफड़ा हो रहा है? दे ही नहीं रहा है, वो तो 60% दे रहा है। कहता है जे घर उधारो तो 100% देंगे। आपको पूरा चाहिए? अरे 60% दे तो मैं कागज मांग रहा है। कागज बैठन से स्टाम्प पेपर मांग रहा है। ये समस्या है और सबसे बड़ी समस्या यही है, कुछ लोगों का पेपर नहीं है घर पे और कागज़ के लिए भी। देखिए एक बात सामने आई, कागज़ के लिए भी जो है दौड़ाया जा रहा है इनको, कि इनकी जो मांगे हैं और उन्हीं सब को लेके सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए कब तक आखिर निराकरण हो पाता है। बहरहाल ये अभी जो धरना प्रदर्शन है जारी रहेगा और जो जैसे भी आगे जो भी अपडेट मिलता है हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन नतीश के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद। आपके शहर आपके बैठन में निरंतर 60 वर्षों से आपके सेवा में नयन सुख ऑप्टिकल। हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड चश्मे का एकमात्र शोरूम है, साथ ही आंखों का चेकअप फ्री में कराएं। पाए ब्रांडेड चश्मे उचित दामों में, एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ पाए चश्मे की भरपूर वैरायटी। यहाँ आपको मिलने वाले हैं ब्रांडेड चश्मे, नजर के चश्मे और बेहतरीन फ्रेम की कलेक्शन। अगर आप भी धूप का चश्मा या नजर का चश्मा बनवाना चाहते हैं तो नयन सुख ऑप्टिकल पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है कॉलेज रोड बिलौजी बैठन मध्य प्रदेश, और दूसरा है नयन सुख ऑप्टिकल शोरूम शिवाजी कॉम्प्लेक्स बिंदनगर, दुकान नंबर 58। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 07053554088769309। सिंगरौली जिले में आ गया ग्रोसरी फॉर यू, फिर देर किस बात की, जल्दी विजिट करें और पाए सारे ग्रोसरी आइटम में डिस्काउंट और साथ ही ऑनलाइन बिल। 500 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में, दुकान दुकान में भटकने से छुटकारा, अब एक ही स्टोर में सब कुछ। दुकानों में भटकना क्यों, ग्रोसरी फॉर यू लाया है ऑनलाइन डिलीवरी घर बैठे ही, बचत भी बचत भी। हमारा पता है गनियारी रोड बैठन चंद्र पैलेस के पास सिंगरौली मध्य प्रदेश। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9685965487700137000। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।